मुझे एंड वेलकम ऑन यूरोपीडिया। थैंक यू सर। ओके अनुज, यू गॉट सिलेक्टेड इन वेरी प्रेस्टिजियस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द पोस्ट ऑफ एटीसी एंड दैट वाज इन जुलाई 2022 एग्जाम। आई एम राइट? यस यस सर। ओके सो अनुज, आई विल बी इंटरेक्टिंग विद यू एंड एज यू नो दिस एग्जाम इज अगेन डिक्लेयर्ड एंड मेनी स्टूडेंट्स आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट इट। So this our interaction will be very very helpful यस for सर। all those students, Anuj. Your strategy, your preparation strategy, how they can score very high in this exam. So that is all we are going to interact. Before that, I want you to tell us very यस briefly about you. Whatever you want to tell, please tell us that. सर, माई सेल्फ अनुज कुमार राय एंड आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल अनपरा एंड आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ट्रिपल एम यू टी गोरखपुर एंड आई लिव इन सोनभद्र एंड माई होम टाउन इज इन जौनपुर एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन ATC लास्ट ईयर। So, Anuj, tell me when last year ATC was declared, Airport Authority of India gives very यस less सर, time to students. They give very less time. I mean, they declare the post and यस within सर, 2-3 months exam is conducted. And exam यस सर। में cut off also goes very high. So tell me when you started preparing last year, then how much was the time available to you to prepare for this entire exam? सर बेसिकली लास्ट ईयर 14 जुलाई को लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की एंड 27 जुलाई को इन्होंने एग्जाम का नोटिस दे दिया था कि कंडक्ट होगा। एंड सर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स सो माई फोकस वॉज देयर बट सर आई थिंक 14 to 16 days आई टोटली डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जाम। तो मतलब आप डू यू मीन टू से कि अगर कोई स्टूडेंट 15-20 दिन या एक मंथ यस सर, डेडिकेटेड देता है तो निकाल सकता है इस एग्जाम को? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस सर, 15 to 20 days इज मोर देन इनफ बट यू हैव टू बी डेडिकेटेड सर इन मतलब सर इस टाइम में और कोई एग्जाम नहीं, 15 to 20 days ओनली ATC प्रिपरेशन, देन इजिली एनीवन कैन क्रैक दिस एग्जाम। अगर मैं 15-20 दिन रख लेता हूँ, सपोज मेरा बेसिक अभी नहीं है, मेरा लेवल नहीं है फिजिक्स, मेरे को मैथ्स 11-12th का फिजिक्स मैथ्स मेरे को नहीं आता, मेरा लेवल नहीं है, यस तो सर, और मैं बोलता हूँ कि मैं पंद्रह यस दिन सर, पूरा दिन से बैठ जाऊंगा, तो क्या स्ट्रेटजी यस सर। रहेगा? 15-20 दिन कैसे किया मनोज, अनुज ने कैसे किया तैयारी 15-20 दिन? सर मैंने पर डे का शेड्यूल बना लिया था कि मॉर्निंग में जब मैं उठता था सर फ्रेश माइंड से तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट उठाता था, जैसे फिजिक्स के ऑप्टिक्स पार्ट्स हो गए, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, जिसमें आपको न्यूमेरिकल कम है सर, आप मॉर्निंग में उसको 1 to 2 hours में देता था। फिर सर आफ्टरनून में मैं मैथ्स उठाता था, 1 to 2 hours मैथ्स को देता था एंड इवनिंग टाइम में सर मैं नॉन टेक पार्ट पे ध्यान देता था। और आई मेक श्योर कि रात में मैं सोने से पहले 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर दूं, वो भी फुल लेंथ का, अदरवाइज जो मैंने पढ़ा है वो या तो वो सेक्शनल टेस्ट का, बट मॉक टेस्ट मैं देना जरूरी समझता था सर। तो होल डे मैं अपने आप को इन्वॉल्व इसमें रखता था सर। तो 15 दिन कुछ ऐसे लगाए जाएं कि हर दिन मॉक टेस्ट भी दिया जाए। सर मॉक टेस्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम मिनिमम 2 बोल रहे हैं बट सर यू कैन गिव एज मेनी एज पॉसिबल। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर फॉर दिस एग्जाम बिकॉज इन दिस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ओके एंड मनोज, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो फिजिक्स के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं उनमें तो आपको ट्रबल नहीं आया यस होगा, लेकिन मैकेनिकल सिविल वाले सर, बच्चों नहीं को सर, उसमें ट्रबल आएगा। यस सर। तो और सर लेकिन रिवर्स सिचुएशन ये भी है कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, इसमें इलेक्ट्रिक अगर क्वेश्चन आते हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। बैक पे रहते हैं सर वो, अच्छा यस सर, मनोज, बट जैसे आपको बहुत कवर हर एक चैप्टर करना पड़ेगा। सही बात यस सर, है। सो मनोज, जैसे ये जो एग्जाम है ना, इसका सिलेबस ज्यादा दिखता है, बहुत सा स्टूडेंट्स जब यस उसको सर, दिखता है ना कि 1 मंथ या 2 मंथ बच गए, तो बहुत सा स्टूडेंट वही नेगेटिव हो यस सर, जाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। इस एटीट्यूड को कैसे हम ओवरकम करें, यस इस सर। प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें? ये जॉब बहुत प्रेस्टीजियस है तो इस जॉब को पाने की एनी हाउ मुझे इनपुट तो देना पड़ेगा क्योंकि सर इसमें कट थ्रोट कंपटीशन भी है, काफी लोग बैठते हैं, बट लेकिन अगर सर गिव अप स्टार्टिंग से ही कर देंगे तो फिर ये तो बहुत इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि मुझे लगता है कि ATC अब आने वाले टाइम में ऐसे ही अपना पैटर्न रखेगा, 15 to 20 days देगा। तो आपको पहले मेकअप माइंड करना चाहिए, इस समय के जो अपियर करेंगे स्टूडेंट्स उनके लिए तो बेनिफिट है सर कि वो लास्ट टाइम से ये चीज सीख चुके हैं कि हमें 15 to 20 days हैं तो वो इनपुट इस हिसाब
से दे रहे होंगे। अच्छा अनुज, आप मेरे को ये बताइए, अभी ये जो आपका एग्जाम है, इसका जो पैटर्न है, उसमें आपका स्कोर बना कितना था इसमें, 120 में से? सर आई गॉट 101, 51 इन टेक्निकल पार्ट एंड 50 इन नॉन टेक पार्ट। ओके, 101 यू गॉट इट। और कितना सेफ स्कोर होता है, मतलब कितना चाहिए होता है इसमें पास क्वालिफाई करने के लिए? सर लास्ट टाइम जब हम लोग से पहले एग्जाम हुई थी तो 90 to 95 सेफ मानते थे, बट सर इस टाइम इतनी कॉम्पिटिशंस थी कि 100, नियर अबाउट 100 यू हैव टू स्कोर इन सेफ जोन। अच्छा, इस बार एक और ट्रबल आ रहा है अनुज स्टूडेंट्स को, कि यस सर गेट एग्जाम भी आ रहा है अभी साथ में। गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, यस अभी ये एयरपोर्ट अथॉरिटी भी आ गया, तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते यस हैं? सर व्हाट इज योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स नाउ? सर मैं खुद इंजीनियरिंग सर्विसेज का एस्पायरेंट हूँ सर, मैं उसकी प्रिपरेशन करता हूँ। तो मुझे ये लगता है सर कि अगर आप आपका शेड्यूल, मतलब अगर आपका बेसिक्स मजबूत है, 10th+2 की अगर बेसिक्स अच्छी हैं आपकी, तो आप पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आप एकदम बेसिक से तैयारी करते हो देन यू हैव टू चूज एनी वन एग्जाम। सो सर आइदर गेट और ATC यू हैव टू चूज। इफ योर बेसिक्स इज स्ट्रॉन्ग सर देन यू कैन टेक इट पैरेलली। अच्छा, कोई गैस मार सकते हैं इस बार एग्जाम कब जैसे होगा? एनी गैस अनुज? सर लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आई थिंक मिड ऑफ फेब्रुअरी दिस टाइम इट विल हैपन, मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो 15 to 20 पे। अनुज मेरी यस जैसे ना सर कुछ बात हो रही थी लोगों से हायर ऑफिशियल लेवल पे, वो ये बोल रहे थे कि दे आर अवेयर कि गेट का एग्जाम है, यस सर दे आर अवेयर अबाउट इट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दिस ऑल्सो, कि स्टूडेंट्स को यस सर ओवरलैप ना हो, क्लैश ना हो इन चीजों में, तो यस सर वो फैक्टर भी वो ध्यान में शायद दे सकते हैं, और इस वजह यस से सर शायद वो कुछ टाइम दे दें, 10-15 दिन और, तो दैट इज अ पॉइंट के दे मे प्रोवाइड यू मोर टाइम ऑल्सो फॉर दैट यस एग्जाम। सर वही मैं कह रहा हूँ, फिर फोर टाइम्स यू यू कैन एक्सपेक्ट सर आफ्टर 15 फेब, 15 फेब तक गेट के एग्जाम्स हो जाएंगे। आफ्टर 15 फेब यू यू शुड बी रेडी फॉर डेट। एंड दैट मीन्स कि यू हैव टाइम मोर देन 1 month फ्रॉम नाउ, यू हैव मोर देन 1 month, तो अगर अभी से वो सिस्टमेटिक बनाते हैं तो आई थिंक दे कैन डू यस इट। सर एंड अनुज, कितने नंबर ऑफ आवर्स पर यस डे सर आपको लगता है देना चाहिए लास्ट के 1 month में ATC एग्जाम के लिए? सर फॉर एवरी पार्ट आई थिंक यू शुड गिव 2 आवर्स मिनिमम, 2 आवर्स फॉर फिजिक्स, 2 आवर्स फॉर मैथ्स एंड नॉन टेक 2 आवर्स, एंड मॉक अपार्ट फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट। एंड एनी पर्टिकुलर वे टू प्रिपेयर, लाइक कीप राइटिंग, मेकिंग नोट्स और समथिंग, एनी पर्टिकुलर वे फॉर दैट? सर आई प्रिफर कि NCERT से स्टार्ट करना चाहिए, बट अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उतना टाइम शॉर्ट नोट्स बनाने में नहीं खर्च करना चाहिए। मैंने क्या किया था सर, मैंने एक 11th 12th की एक अच्छी पब्लिकेशन की हेल्प बुक ली थी, तो एवरी चैप्टर के एंड में सर वो एक ग्लॉसरी और समरी देते हैं, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स व्हाट वी प्रिपेयर। तो सर मुझे मुझे वो लगता है कि वो आप उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उतना टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो आप NCERT से थोरोली रीड करिए, और रिविजन के लिए, क्विक रिविजन के लिए आप साइड बुक्स के समरी या ग्लॉसरी से जा सकते हैं, अच्छी साइड बुक के। गुड। अच्छा अनुज, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और बहुत हाई स्कोर जाता है, इसमें 2 घंटे आप अंदर एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते हैं और अपने आप को मैनेज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो यस सर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किस तरह से स्टूडेंट्स को अपने आप को मैनेज करना चाहिए? यस सर एग्जामिनेशन हॉल में सर पहले तो इंडिविजुअली आपको अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड्स पता है कि मैं नॉन टेक में स्ट्रॉन्ग हूँ कि टेक में, मैथ्स में हूँ कि फिजिक्स में हूँ। तो सर आपको वो पार्ट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो जैसे सर मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था तो मैंने फिजिक्स से ही अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो सर जब आप 30 में से 25, 26 एक्सपेक्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो फिर आप आगे जो सेक्शंस सॉल्व करेंगे उसमें आपको वो हेल्प करेगा। तो सर इससे आप पे प्रेशर भी नहीं बनता और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अटेम्प्ट करते जाते हैं। फिर सर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चंस बचे और निगेटिव मार्किंग है नहीं सर, तो आप फिर उनके साथ एक गेस खेल सकते हैं। अच्छा, गैस खेलने का कोई पैटर्न है क्या? सर गेस खेलने का पैटर्न तो नहीं है सर, लेकिन ये है कि आप 4 ऑप्शंस जैसे हैं तो अगर आप उनमें, कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप 2 सीधे सीधे इग्नोर कर देते हैं कि ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, 2 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, उसमें आपको फिर थोड़ा सा एक अपना
इंट्यूशन से लगता है कि हाँ ये हो सकता है, निगेटिव नहीं है सर, तो मेरे मेरे हिसाब से अटेम्प्ट तो सभी करना चाहिए, तो सारे करना यू हैव टू चाहिए। अटेम्प्ट ऑल अच्छा कई बार क्या क्वेश्चंस। होता है अनुज, यस जैसे आपने बताया 4 में से 2 पता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो कैलकुलेटेड गैस है, कई बार ब्लाइंड गैस यस लगाना सर, पड़ जाता है, लेट से लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस में कुछ भी पता नहीं है, वो ब्लाइंड गैस लगाना है। तो कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि यस सर सर, हमने ऐसा किया कि देखा पूरे पेपर में ज्यादा चॉइस कहाँ हिट हो रही है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, यस क्या सर, हो रहा है, हमने उस पैटर्न को फॉलो करते हुए यस लगा सर, लिया। तो कोई ऐसा मंत्रा हो यस सकता है स्टूडेंट्स के लिए ब्लाइंड गैस के लिए? सर, ब्लाइंड गेस के लिए मेरा ये कहना होगा कि सर अगर 5-6 क्वेश्चंस हैं तो वो 5-6 क्वेश्चंस में आप एक ही ऑप्शन चूज करें, या तो ए या तो बी। बट सर ये जो ये चीज जो है कि आप चेक करें कितने ऑप्शंस ज्यादा है सर, ये तो फिर टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा इसमें चेक करने पे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेंगे कि किस किस ऑप्शंस में मैक्सिमम आंसर, बहुत सही आंसर दिया तो ये आपने, सर मैं तो नहीं प्रिफर करूंगा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि ये तो क्योंकि लगा सर ये लो और टाइम ये भी मैनेजमेंट लगाओ, का पेपर है। टाइम मैनेजमेंट वाला पेपर है, सही बात है। यस सर, अच्छा कितने ऐसा भी होता है क्या स्टूडेंट्स का गलती के उनसे टिक ही नहीं हो या बिना टिक करे आ जाएं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, टिक तो सारा करना चाहिए, तो ऐसा होता है कि बिना टिक किए बच्चे बोले नहीं साहब मैं तो मेरे को यस तो सर, टाइम ही नहीं मिला? हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को ज्यादा डेडिकेटेड सॉल्विंग में कर दें और लास्ट में आपके पास 1-2 मिनट बचे और क्वेश्चन मार्क करने के लिए आपके पास 10-15 हो, तो ऐसे में छूटने के चांसेस होते हैं। और सर जब आप सबमिट करने के क्लोज होते हैं एग्जाम, तो थोड़ी सी नेट की लैगिंग प्रॉब्लम होती है सर, आप अच्छा क्लिक करोगे 1-2 सेकंड लैग होके फिर अगले क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लास्ट में ज्यादा क्वेश्चन एक्यूमुलेट ना हो कि मैं 1-2 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लूंगा, 15 क्वेश्चन कर लूंगा, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं सर। अब अनुज एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि क्या चीज फोकस करे स्टूडेंट, किस चीज पे फोकस करे कि अगर उसको ये डिसीजन लेना है कि मैं गेट पे फोकस करूं या इस पे फोकस करूं, तो क्या पैरामीटर होने चाहिए उसके लिए? सर पहला पैरामीटर ये कि अगर सर कोई गेट एस्पायरेंट है तो वो सर पूरे साल केवल वो गेट की प्रिपरेशन करता है, वो 1-2 एग्जाम और आउट होते हैं टेक्निकल के, वो उस पर नहीं देता। अगर ऐसी प्रिपरेशन है कि फुल्ली फोकस्ड गेट पे है, मैंने कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया इस साल, तो मेरे हिसाब से सर उसको गेट करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गेट के एग्जाम में उतने कॉन्फिडेंस अपने को नहीं रखते कि मैं हो सकता हूँ हो भी जाऊँ ना भी हूँ, और एक साल में वो 1-2 और टेक्निकल पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि आप ATC का एग्जाम भी दे सकते हैं। और थर्ड क्राइटेरिया ये होता है सर कि जिनकी 11th 12th जो IIT प्रिपेयर करते हैं उनका बेसिक्स काफी स्ट्रांग होता है, तो सर वो तो जरूर इस एग्जाम को देने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कम इनपुट देना है, आपका ऑलरेडी बेस काफी स्ट्रांग है सर। 3 क्राइटेरिया में अगर आप जहाँ स्टैंड करते हो वैसे हिसाब से करना चाहिए। वंडरफुल अनुज, आई मस्ट से कि आपने बहुत ही सही तरीके से इसको एडवाइस किया है चीज को, और आई एम श्योर स्टूडेंट्स को सुन के इसमें बेनिफिट होना चाहिए उनको और वो वैसा स्ट्रेटजी फॉलो यस करें। अनुज अब लास्ट में कुछ यस भी आप बोलना चाहें उन स्टूडेंट्स को जो इस एग्जाम को लिखने वाले हैं अभी, एनी पर्टिकुलर एडवाइस यू वांट टू गिव? सर, पर्टिकुलर एडवाइस में मैं सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सर मैं टेस्ट के लिए काफ़ी वो कहूँगा कि टेस्ट को जरूर देना चाहिए, और आप यही नहीं कि मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, सारे सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं एग्जाम्स के टाइम बैठूंगा, आप सेक्शनल टेस्ट जरूर दें, एक चैप्टर हो। और सर आज के टाइम में तो यूट्यूब एंड गूगल्स पे वैसे ही क्विजेज बहुत हैं, तो आप एक चैप्टर दीजिए, उनका नाम डालिए और उसका क्विज दीजिए, ऐसे करते करते आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर आप लास्ट में सोचेंगे कि मैं पूरा सिलेबस कर लूं, तो सर वो एग्जाम के एक दिन पहले तक वो चीज नहीं हो पाती है, वो लगता है कि मेरा कुछ छूटा ही है, तो वो कवर करने में ही चला जाता है समय। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है अनुज जो बच्चे करते हैं कि वो एंड तक टेस्ट नहीं लगाते, और टेस्ट नहीं लगाते और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। यस तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है जो आपने बच्चों को दिया है, एंड आई एम यस वेरी सर, श्योर स्टूडेंट इसको सुनेंगे और इसमें वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। और यस सर, या यू एंड वर सेइंग सर समथिंग? और एक एडवाइस और होगी ये कि एक एडवाइस और होगी कि सर मल्टीपल रिसोर्सेस के पीछे ये लोग ना जाएं सर। कई बार ऐसा होता है कि लोग हर जगह से उनके मटेरियल्स कलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट में वो ऐसी हेक्टिक सिचुएशन हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि मैं रिवाइज किससे करूं, कंप्लीट किससे करूं, तो एक बात को फॉलो करें कि हाँ ठीक है मैं इस बुक को फॉलो करूंगा तो इसी से फॉलो करूंगा। कोई वीक सेक्शंस हैं तो आप उसके लिए यूट्यूब में डिफरेंट वीडियोस हैं उसको प्रिफर करिए, बट कई सारे ऑप्शंस लेके चलना वो लास्ट में कंफ्यूजन हो जाता चलो वंडरफुल अनुज, लेट मी अगेन थैंक यू एट द एंड ऑफ है। दिस यस सर, वंडरफुल इंटरेक्शन। आई मस्ट से कि 10-15 मिनट में आपने वो सारे का सारा थैंक यू, पॉइंट क्रक्स दे दिए स्टूडेंट को जो शायद उनको इस एग्जाम के लिए चाहिए। तो
So I'm really thankful to you on behalf of all my students who are listening to you, कि आपने time दिया and it worked very well. Thanks a lot, Anuj. Thank you, sir. It is my pleasure to talk to you, sir. Thank you.